मुंबई गर्ल के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से मुंबई की एयर क्वालिटी खराब हो गई है। देखिए मुंबई की हवा गुणवत्ता फिर से बिगड़ती जा रही है और बताया जा रहा है कि महानगर के 9 क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी खराब रहा और एक्सपर्ट्स के अनुसार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों को अमल करना बेहद ही जरूरी है। लेकिन नवंबर में जब मुंबई की एयर क्वालिटी खराब होने के बाद सरकार और बीएमसी सभी एक्शन मोड पर आ गए थे। प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण कार्यों और कंपनियों पर कार्रवाई बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की थी। बीएमसी ने सड़क की धुलाई शुरू कर दी थी। इसी के साथ प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। लेकिन क्या प्रशासन अब भी वही सक्रियता दिखा रही है? कुछ हफ्ते पहले तक दिख रहा था क्या ये सब कुछ? सवाल यही है कि क्या मुंबई, जिस तरह से मुंबई की हवा खराब हो रही है, उसको लेकर सरकार क्या कोई सच में ठोस कदम उठा रही है? क्योंकि जिस तरह से हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, इससे लोगों को कई बीमारियां हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और दिन ब दिन जो मुंबई की हवा की गुणवत्ता है वो बढ़ता ही जा रहा है। और कई लोगों का कहना है कि सरकार इसको लेकर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार लगातार इसे नजरअंदाज कर रही है। बात की जाए तो बीकेसी, अंधेरी ईस्ट, मंझगांव, ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी खराब दर्ज की गई।